एवरीवन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ पैटर्न पे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पैटर्न क्वेश्चन में जो कि है इन्वर्टेड पैटर्न ये पैटर्न हमें दे रखा है फोर एन इज इक्वल टू फाइव और इसको प्रिंट करने के लिए अगर हमें सोचना है हमें सबसे, हमें, हमें सबसे पहले पता है कि यहाँ पर नेस्टेड लूप्स करके कुछ हमें लगाना पड़ेगा और सबसे पहले अगर कोई भी पैटर्न क्वेश्चन हमें करना है तो हम तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे एक होगा हमारा रोज एक होगा कॉलम्स और एक होगा कि जो हम एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं ठीक है जैसे इस पोजीशन पे हम वन प्रिंट कर रहे हैं इस पोजीशन पे टू प्रिंट कर रहे हैं तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्टार्ट करेंगे रोज़ के साथ तो रोज़ अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास रोज़ फाइव गिवन है है ना और ये जो पैटर्न गिवन है ये भी एन इजिक्वल टू फाइव के लिए ही है तो हमारा रोज़ मैं बोल सकती हूँ कि वो रेंज कर रही होंगी फ्रॉम वन टू एन अब नेक्स्ट अगर हम कॉलम्स का देखें यार तो कॉलम्स में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में मेरे पास फाइव कॉलम्स हैं सेकंड में फोर हैं देन थर्ड में थ्री है एंड देन एक एक करके कम हो रही है मतलब है ना तो हर एक रो में मेरे पास अगर मैं देखूँगी कितने कॉलम्स हैं तो यार वो हैं एन प्लस वन माइनस जो भी मेरा रो है ठीक है जैसे कि यहाँ पे एन प्लस वन कितना हुआ सिक्स तो सिक्स माइनस जो रो नंबर है रो नंबर क्या है यहाँ पे वन तो सिक्स माइनस वन फाइव तो यहाँ पे फाइव मेरे पास कॉलम्स आ रही होंगे राइट और सिक्स माइनस टू हुआ फोर तो यहाँ पे फोर कॉलम्स हैं सिक्स माइनस थ्री हुआ थ्री तो मेरे पास थ्री कॉलम्स है एंड सो ऑन तो मेरी जो कॉलम्स हैं वो मैं बोल सकती हूँ कि वो रेंज कर रही होंगी फ्रॉम वन टू एन प्लस वन माइनस जो रो नंबर है एंड फाइनली देखते हैं एलिमेंट तो यार एलिमेंट में मैं बोल सकती हूँ कि जो भी हमारा कॉलम है वही हम प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सारे वन प्रिंटेड है सेकंड कॉलम में टू प्रिंटेड है तो जो भी मेरा कॉलम नंबर है उसी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँगी कॉलम नंबर को ठीक है तो इसको कोड करते हैं अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेंगे एन जिसके लिए हमें अपना पैटर्न प्रिंट करना है उसके बाद यार दो लूप्स लगाएंगे नेस्टेड एक जो चलेगा वो चलेगा रोज़ के लिए फ्रॉम वन टू लेस देन इक्वल टू एन राइट और इसके अंदर जो हमारा लूप होगा वो मैं जे को चला रही हूँ फ्रॉम वन टू जे इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन माइनस आई जे प्लस प्लस और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँगी जे विद स्पेस और एक और चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक जब कोई भी रो खत्म हो जाएगी ठीक है अगर ये वाला एक रो के लिए हमने लूप लगाया तो वो ख़त्म होने के बाद हमें लाइन ब्रेक ऐड करनी है तो वो हम कर देंगे ऐसे एंड इसको अब रन करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं फ़ाइव इनपुट दूँ तो मेरे पास मेरा पैटर्न जो चाहिए था मुझे वो बन के आ रहा है राइट right. तो ये हो गया एक पैटर्न क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं आप अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द जीरो वन पैटर्न तो ये पैटर्न हमें दे रखा है अगेन फॉर एन इज इक्वल टू फाइव अगर हम यहाँ पे रोज़ देखें यार सबसे पहले तो रोज़ एन इज इक्वल टू फाइव के लिए मेरे पास फ़ाइव रोज़ आ रही है राइट तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरी रोज़ हैं वो रेंज कर रही होंगी फ्रॉम वन टू एन सेकेंड अगर मैं कॉलम्स पे देखूँ तो मेरे फर्स्ट रो में मेरे पास वन कॉलम है सेकेंड रो में मेरे पास टू कॉलम्स है थर्ड में थ्री फोर्थ में फोर एंड सो ऑन राइट तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ जो कि मेरे जो कॉलम्स हैं वो रो नंबर तक जा रहे हैं ठीक है जो भी वो रो नंबर है उतने मेरे पास कॉलम्स आ रहे होंगे नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट का कि कौन सा एलिमेंट हम किस पोजिशन पर ऐड करेंगे कहाँ पर हमें जीरो प्रिंट करना है और कहाँ पर वन प्रिंट करना है तो यार उसके लिए आप इन एलिमेंट्स का इंडेक्स देखिए यहाँ पे जो ये वाला है वन सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रही हूँ यहाँ पे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो ये वन कामा वन हो गया राइट ये हो गया मेरा टू कामा वन दिस इज़ टू कामा टू देन थ्री कामा वन थ्री कामा टू थ्री कामा थ्री एंड सो ऑन अब आप देखिए नोटिस कीजिए कि कहाँ कहाँ पे मेरा वन आ रहा है तो मेरा वन आ रहा है यार वन कामा वन पे टू कामा टू पे थ्री कॉमा वन थ्री कॉमा थ्री पे राइट तो इन सब पोजीशन पे आपको कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है यार कॉमन यहाँ पे ये चीज है कि जब इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ रो नंबर और कॉलम नंबर को जब मैं ऐड करती हूँ तो वो जो है एक ईवन नंबर बन रहा है हमेशा ठीक है वन प्लस वन टू टू प्लस टू फोर थ्री प्लस वन फोर थ्री प्लस थ्री सिक्स तो मैं बोल सकती हूँ यार कि जब मेरा रो नंबर प्लस कॉलम नंबर एक ईवन है नंबर बन रहा है तब मैं प्रिंट कर रही हूँगी वहाँ पे वन और जब वो एक ऑड नंबर होगा तब मैं प्रिंट कर रही हूँगी जीरो राइट क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे भी जीरो आ रहा है थ्री कॉमा टू टू कॉमा वन सो ऑन वहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करके मेरे पास ऑड नंबर बन रहा है राइट अब आते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे तो सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लिया एन अब दो लूप्स लगाएंगे हम पहला जो हमारा रोज़ के लिए लग रहा होगा वो होगा फ्रॉम वन टू एन और उसके अंदर जो मेरा लूप लग रहा होगा फॉर कॉलम्स वो जा रहा होगा फ्रॉम वन टू लेस देन इक्वल टू आई ठीक है आई मेरा यहाँ पे रो uh, नंबर है तो उस रो नंबर तक हमारे कॉलम्स जा रहे होंगे अब बात आती है कि क्या हम प्रिंट कर रहे होंगे तो हम रो नंबर प्लस जो कॉलम नंबर है उसको कंपेयर करेंगे i प्लस जे को हम कंपेयर कर रहे होंगे अब इसको कैसे निकालेंगे हम कि ये ऑड है या इवन तो हम इसके साम को डिवाइड करके देख लेंगे टू से और जो भी रिमाइंडर आएगा ये जो परसेंटेज साइन है इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं ये हमें रिमाइंडर दे देता है यार किसी भी नंबर से डिवाइड करके तो आई प्लस जे को अगर मैं डिवाइड करती हूँ टू से तो जो वो रिमाइंडर आता है वो जीरो है तो मतलब कि वो नंबर एक ईवन नंबर है तो उस केस में मैं प्रिंट कर रही हूँगी वन और एल्स में मेरा आ जाएगा कि भाई आप जीरो प्रिंट कर दो ठीक है तो यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं आ रहा होगा हमारा लाइन ब्रेक तब आ रहा होगा जब हम किसी एक रो के लिए हमारा लूप पूरा कंप्लीट हो रहा है उसके बाद हमारा लाइन ब्रेक आ रहा होगा ठीक है तो इसे रन करते हैं हम यहाँ पे अगर मैं इनपुट दू फाइव तो मेरे पास आ रहा है मेरा पैटर्न राइट right, जो मैं चाहती थी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सो दिस पैटर्न क्वेश्चन इज़ द रॉम्बस पैटर्न क्वेश्चन ये हमें पैटर्न दे रखा है एन इजल टू फाइव के लिए अगर हम यहाँ पे रोज़ का देखें सबसे पहले तो रोज़ हमारी फ़ाइव है यहाँ पे राइट right? और एन इज टू फाइव के लिए तो हम लिख सकते हैं यार कि रोज़ हमारी वन टू एन रेंज कर रही होंगी नेक्स्ट अगर हम कॉलम्स के लिए देखें तो दैट इज़ द ट्रिकी पार्ट हि यहाँ पे हमारे जो भी सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं वो लेफ्ट अलाइंड नहीं है इसका मतलब यहाँ पे हमें पहले कुछ स्पेस ऐड करनी पड़ रही होगी और उसके बाद हमें ये स्टार्स प्रिंट करने होंगे राइट right? तो स्पेस के लिए हम एक अलग लूप लगा रहे होंगे ठीक है टिल जहाँ तक भी हम देखते कि कहाँ तक ये स्पेसेस आ रहे हैं और फिर एक अलग लूप लग रहा होगा टू प्रिंट ऑल दिस स्टार्स तो मेरे हर एक कॉलम में दो लूप्स होंगे ठीक है पहले अगर मैं स्पेस के लिए देखूँ कि कितनी स्पेस मेरे को ऐड करनी पड़ रही होगी इन एवरी रो तो आप नोटिस कीजिए कि इस रो में मेरे पास कितने स्पेसेस हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर स्पेसेस हैं और जो सेकंड रो है उसमें मेरे पास तीन स्पेसेस हैं देन टू देन वन एंड देन ज़ीरो तो अगर आप यहाँ पे रो नंबर और एन के टर्म्स में सोचें तो एन माइनस जो भी रो नंबर है उसके इक्वल मेरे पास यहाँ पे स्पेसेस आ रही होंगी राइट right? तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे जो स्पेस है वो मेरे को प्रिंट करना है फ्रॉम वन टू तो एन माइनस जो भी मेरा रो नंबर है ठीक है अब बात आती है हमारी स्टार्स की स्टार्स हर रो में मैं फाइव ही प्रिंट कर रही हूँ ठीक है तो इसके इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है हर रो में मैं जो स्टार्स प्रिंट कर रही हूँगी वो होगा फ्रॉम वन टू जो भी हमें एन गिवन है उतना ठीक है तो हम हर एक रो के लिए दो लूप लगाएंगे कॉलम में और यहीं पर हमने कवर कर लिया कि कौन सा एलिमेंट हमें प्रिंट करना है तो अब कोडिंग पार्ट पर चलते हैं सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लिया हमने एन और तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे रो के लिए जो कि चल रहा होगा फ्रॉम वन टू लेसन इक्वल टू एन उसके बाद हमारा स्पेस के लिए लगा लेते हैं लूप जे इक्वल टू वन से चल रहा होगा वो इक्वल टू लेसन इक्वल टू एन माइनस मेरा रो नंबर जो कि यहाँ पे आई है और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँगी कुछ स्पेस नेक्स्ट हमारा यहीं पे हम एक और लूप लगा देंगे हमारे स्टार्स प्रिंट करने के लिए और ये जो लूप है ये चल रहा होगा फ्रॉम वन टू एन लेस दैन इक्वल टू एन एंड हियर विल बी प्रिंटिंग स्टार्स ठीक है फाइनली विल ऐड अ लाइन ब्रेक हियर एंड लेट्स प्रिंट दिस तो फाइव इनपुट के लिए जो मेरा आना चाहिए था पैटर्न वो मेरा यहाँ पे मेरे को मिल रहा है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दिस पार्टन क्वेश्चन इज़ अगैन गिवन टू आस फॉर एन इज इक्वल टू फाइव और यहाँ पर अगर हम रोज़ के बारे में बात करें यार सबसे पहले तो रोज़ हमें दिख रहा है साफ साफ कि फ़ाइव के लिए गिवन है और फाइव ही हमारे पास रोज़ है तो मैं लिख सकती हूँ रोज़ रेंज कर रही हूँगी फ्रॉम वन टू तो एन नेक्स्ट मैं कॉलम की बात करती हूँ अगर तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जो है वो लेफ्ट लाइंड नहीं है तो मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस एड करनी पड़ रही होगी पहले स्पेस का अगर मैं देखूं तो यार यहाँ पे फोर स्पेसेस हैं देन थ्री देन टू देन वन एंड देन जीरो तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ यार अगर मैं रो नंबर और एन के टर्म्स में सोचूं तो मैं बोल सकती हूँ कि स्पेस जो होगा हर रो में वो इक्वल टू होगा एन माइनस दैट रो नंबर ठीक है तो मेरे कॉलम्स के दो पार्ट्स होंगे पहला जो मेरे को स्पेस ऐड करना पड़ रहा होगा वो रेंज करेगा फ्रॉम वन टू एन माइनस रो नंबर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइव माइनस वन फोर फाइव माइनस टू थ्री एंड सोवन उतनी हमारे पास स्पेसेस हैं उसके बाद आते हैं यार जो हमें नंबर प्रिंट करना है यहाँ पे तो हर रो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम वन और मैं कहाँ तक प्रिंट कर रही हूँ यार फर्स्ट रो में मैं वन तक ही रह रही हूँ सेकेंड रो में मैं टू तक जा रही हूँ थर्ड रो में थ्री तक जा रही हूँ फोर्थ रो में फोर्थ तक फाइव में फिफ्थ रो में फाइव तक राइट तो मैं बोल सकती हूँ यार कि जो मेरे को नंबर प्रिंट करना है वो मेरे को प्रिंट करना है फ्रॉम वन टू दैट रो नंबर और मैं प्रिंट कर क्या रही हूँ यार मैं प्रिंट कर रही हूँ जो भी मेरा जो भी मैं आइटरेटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ठीक है तो यहाँ से जैसे मैंने वन से स्टार्ट किया तो वन मैंने प्रिंट किया क्योंकि रो नंबर यहाँ पे वन है फिर यहाँ पे वन स्टार्ट किया दैन मैं टू तक प्रिंट करूंगी यहाँ पर वन से स्टार्ट करके थ्री तक प्रिंट करूंगी तो यहाँ पर जो भी हमारा आइटरेटर होगा सपोज़ जे ले लेते हैं तो वो उसको मैं प्रिंट कर रही हूँ फ्रॉम वन टू रो नंबर तो अब करते हैं इसको कोड यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट ले लिया एन और लूप लगाएंगे हमारे रोज़ के लिए जो कि चल रहा है वन टू लेस देन इक्वल टू एन तक इसके अंदर आ जाएगा हमारा स्पेस के लिए सबसे पहले तो जे इज़ इक्वल टू वन टू जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन माइनस रो नंबर दैट इज़ आई तो वहां तक हम प्रिंट कर रहे होंगे कुछ स्पेस और इसके बाद हमारा लूप आएगा टू प्रिंट द नंबर्स तो वो चल रहा होगा जे इज़ इक्वल टू वन टू लेकर जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई तक जो भी हमारा रो नंबर है वहां तक हम ये लूप चला रहे होंगे और यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे होंगे यार जे हम प्रिंट कर रहे होंगे विथ सम स्पेस फाइनली वील एड अ लाइन ब्रेक जब हमारी एक कॉलम का जो भी सामान है वो प्रिंट हो रहा है इसको करते हैं ब्रान तो यहाँ पे अगर मैं फाइव डालू तो वी गेट द पैटर्न दैट वी वर एमिंग फॉर राइट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन इज द पैलेंड्रोमिक पैटर्न क्वेश्चन इसको हम पैनड्रोमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर रो में आप नोटिस कीजिए कि एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है जो कि हमें प्रिंट करना पड़ रहा होगा राइट right? तो पैलेंड्रोमिक क्या होता है यार आप स्टार्टिंग से और एंडिंग से देखना स्टार्ट करो हमारे पास सेम एलिमेंट्स है यहाँ पे है ना फाइव फाइव फोर फोर तो ये इसको हम बोलते हैं पैलेंड्रोमिक अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अगर हम स्टेप वाइज चलेंगे तो हमें ईजिली आ जाएगा सबसे पहले हम देखते हैं रोज तो रोज यार हमें यहाँ पे दिख रहा है इजिली कि एन इज इक्वल टू फाइव है और जो हमारे रोज हैं वो भी फाइव ही गिवन है राइट तो मैं रोज लिख सकती हूँ कि वो रेंज कर रहा होगा फ्रॉम वन टू एन नेक्स्ट अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो यार हर एक रो में ठीक है मेरे पास तीन पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन में पहला तो पार्ट प्रिंट कर रहा होगा कुछ स्पेस राइट मेरी हर रो में कुछ स्पेस प्रिंट हो रही होगी और उसके बाद मेरे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक है पहले मेरे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और फिर आगे बढ़ते हुए वन के बाद मेरे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर तो मेरे पास तीन पार्ट्स आ गए हर कॉलम के लिए तीन पार्ट्स आएंगे सबसे पहले अगर हम स्पेस के लिए देखें यार तो स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो रही है फ्रॉम वन टू लेकर एन माइनस जो भी रो नंबर है ना क्योंकि यहाँ पे फोर है देन थ्री देन टू वन तो हम लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे स्पेस प्रिंट करते हैं तो वन टू एन माइनस रो नंबर के इक्वल हम यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं इन एवरी रो उसके बाद आते हैं यार जो नंबर्स हमने प्रिंट करने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर उसके लिए आप देखिए हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रो में वन से स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड रो में टू से एंड देन सो ऑन तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम स्टार्ट एक वेरिएबल बना देंगे ठीक है जो कि इक्वल होगा रो नंबर से क्योंकि वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम प्रिंट करते जाएंगे के माइनस माइनस क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है अपने नंबर्स अब मैं अगर देखूँ कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है मुझे तो यार इन सारी रोज़ में मेरा वन तक ये नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं तो ये कौन सी रो है ये एन रो है तो मैं अगर जहाँ से स्पेस मैंने प्रिंट करना बंद किया है वहाँ से लेकर मैं बोल सकती हूँ कि एन रो तक मेरे को अपने नंबर्स प्रिंट करने हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक है तो ये होगा प्रिंट फ्रॉम एन माइनस रो नंबर टू एन वहाँ तक मैं अपना नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रही होंगी अब देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला पार्ट तो यार उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगी टू से ठीक है तो मैं अपने के को इनिशलाइज़ कर दूँगी टू और के प्लस प्लस मैं प्रिंट कर रही होंगी अब कहाँ तक प्रिंट कर रही होंगी तो यार एन के बाद मेरे पास यहाँ पे फोर और कॉलम्स आ रही है यहाँ पे थ्री और कॉलम्स आ रही है टू वन ठीक है तो यहाँ पे जब भी आपका हर एक रो में कुछ चेंज हो रहा है ना तो यार उसको रो नंबर के हिसाब से उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करा करो ठीक है तो यहाँ पर एन तक हो गया प्लस आई माइनस में यहाँ पर और रोज़ प्रिंट कर रही हूँ तो यहाँ पर फाइव है आई ठीक है तो फाइव माइनस वन फोर देन फोर माइनस वन थ्री देन थ्री माइनस वन टू एंड सो ऑन तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो मैं कर रही होंगी अपने नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रिंट ये हो रहे होंगे फ्रॉम एन फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ठीक है टू एन प्लस जो भी मेरा रो नंबर है माइनस वन ठीक है तो अब इसको करते हैं कोड हम यहाँ पे मैंने इनपुट ले रखा है यूजर से एन और सबसे पहले हम आई रो के लिए लगाएंगे लूप जो कि चलेगा वन टू लेस देन इक्वल टू एन इसके बाद आएगा हर एक रो के लिए लूप जो कॉलम्स हम डिफाइन करेंगे जिसके तीन पार्ट्स होंगे ठीक है तो ये चलेगा जे इज इक्वल टू वन टू जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई और ये लूप हमारा प्रिंट कर रहा होगा कुछ स्पेस इन द नेक्स्ट लूप हमें क्या करना है हमें k करना है राइट तो हम एक k वेरिएबल बना लेंगे जो कि इक्वल होगा हमारे रो नंबर के और इस k को हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो j होगा यार यहाँ पे j स्टार्ट हो रहा होगा यहीं से राइट तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी j की वैल्यू छूटी है वो वहीं से यहीं से कंटिन्यू हो जाए तो हम क्या करेंगे जो इनिशलाइजेशन वाला पार्ट होता है फॉर लूप का उसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे कि भाई ये जे हमें चलाना है लेस देन इक्वल टू एन तक अब अगर हम चाहते कि हमारा जे इधर भी एक्सेस हो तो हमें यहाँ से इसकी इनिशियलाइजेशन जो हमने डिक्लेयर किया है वो हटाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे अपने जे को डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पे भी इस फॉल लूप में भी जे को एक्सेस कर पा रही होंगी। तो इस फॉल लूप में मेरे को प्रिंट करना है अपना के माइनस माइनस राइट और फाइनली जो मेरा थर्ड लूप होगा उसके लिए मैं के को इनिशियलाइज कर दूँगी टू से और मेरा फिर से मैं इनिशलाइजेशन पार्ट अपना फॉलू का छोड़ दूँगी और ये चलेगा एन प्लस आई माइनस वन एन प्लस जो भी रो नंबर है माइनस वन तो वहाँ तक मैं इसको चलाऊँगी और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रही हूँगी के प्लस प्लस क्योंकि मेरे को अपने नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है और जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है हर एक रोका ख़त्म होने के बाद हम लाइन ब्रेक ऐड कर देंगे तो इसको करते हैं अब प्रिंट उससे पहले यहाँ पे मैंने जो एंडल लगा दिया है गलती से इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे हम लाइन ब्रेक नहीं ऐड होंगे हम सीधा बस ये करना है और यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड कर देते हैं ठीक है तो यार यहाँ पे देख सकते हो आप जो हमने पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी वो हमें यहाँ पे मिल रहा है राइट right, तो ये हो गया हमारा पैलन पैटर्न और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आप इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द पैटर्न ठीक है एक तो हमारे पास सीधा पिरामिड है और एक वही हमारा इन्वर्टेड पिरामिड है तो यहाँ पे सपोज आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक मिरर लग रखा है तो उसी का हमें मिरर इमेज यहाँ पे मिल रही है राइट right, तो अब इसको यार हम ऐसे ही दो पार्ट्स में प्रिंट कर रहे होंगे पहले हम जो ऊपर वाला पिरामिड है उसको प्रिंट करेंगे और फिर नीचे वाले पे बढ़ेंगे तो अभी आप सिर्फ इतना पार्ट देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे अगर मैं रोज़ स्टार्ट करूँ सबसे पहले ये है कि हमें ये पैटर्न जो दे रखा है ये एन इज टू तो फोर के लिए दे रखा है ठीक है तो सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ ये वाला जो ऊपर वाला पिरामिड है इसमें अगर मैं देखूँ तो रोज़ मेरे पास फ़ोर है विच इज इक्वल टू तो एन तो मैं लिख सकती हूँ रोज़ विल रेंज फ्रॉम वन टू एन अब अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो यार कॉलम्स में यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे कॉलम्स के एक हमारा स्पेस प्रिंट कर रहा होगा कुछ और उसके बाद हमारे कुछ स्पेस जो स्टार्स है वो प्रिंट हो रहे होंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है मेरा उसमें मेरे पास कितने थ्री स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं देन टू देन वन एंड देन ज़ीरो राइट तो मैं इसको अगर एन और रो नंबर के टर्म्स में सोचूं तो मेरा एन माइनस रो नंबर के इक्वल स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं इन एवरी रो ठीक है तो जो मेरा स्पेस होगा स्पेस के लिए जो लूप लगेगा वो चलेगा फ्रॉम वन टू लेकर एन माइनस रो नंबर राइट और फिर अगर हम स्टार है उसकी बात करें तो यार यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास वन स्टार है देन थ्री देन फाइव देन सेवन तो यहाँ पे जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं ये और नंबर में प्रिंट हो रहे हैं है ना वन थ्री फाइव सेवन तो यार और नंबर्स को अगर मुझे लिखना होता तो मैं उनको लिख सकती हूँ ऐसे टू इंटू सम नंबर जैसे रो हो गया माइनस वन या प्लस वन है ना तो अगर मैं टू इंटू वन कर रही हूँ माइनस वन तो मेरे पास आएगा वन देन टू इंटू टू कर रही हूँ तो फोर माइनस वन आएगा थ्री तो इससे मेरे पास टू इंटू सम नंबर माइनस वन से मेरे को हमेशा एक ऑड नंबर ही मिल रहा होगा तो उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर सकती हूँ कि मेरे को यहाँ पे ऑड नंबर्स चाहिए तो यहाँ पे अगर मैं इसको रो नंबर के टर्म्स में लिखूँ तो यहाँ पे वन रो में मेरे पास टू इंटू वन माइनस वन जो कि वन स्टार आएगा राइट सिमिलरली सेकेंड रो में टू इंटू टू फोर माइनस थ्री थ्री स्टार्स आ रहे हैं तो मैं अपना स्टार का लिख सकती हूँ कि यार इसका जो लूप लगेगा वो अरेंज कर रहा होगा फ्रॉम वन टू टू रेस टू पार टू इन टू रो नंबर जो भी है मेरा माइनस वन अब इससे हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा प्रिंट हो जाएगा अब नीचे वाले पार्ट के लिए देखते हैं तो यार उसके लिए हम सेम पीस ऑफ कोड यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो रोज़ आएंगे वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि वो वन टू फोर की जगह फोर टू वन जा रहे होंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे इसको फोर थ्री टू वन ले लेती हूँ तो मेरे जो रोज़ है वो रेंज कर रहे होंगे फ्रॉम एन टू वन अब जो मेरे कॉलम्स होंगे दो पार्ट्स होंगे एक स्पेस और एक स्टार तो स्पेस यहाँ पे मेरे पास जीरो है देन वन है देन टू है देन थ्री है तो अगर मैं इसको एन और रो नंबर के टर्म्स में सोचूं, तो यार ये वही आएगा जो पहले ऊपर वाले पार्ट में हमारा आया था ये होगा फ्रॉम वन टू तो एन माइनस जो भी मेरा रो नंबर है राइट क्योंकि जैसे एन इज टू फोर है ठीक है तो फोर माइनस फोर जीरो स्पेस तो यहाँ पे ज़ीरो है देन फोर माइनस थ्री वन तो यहाँ पे वन स्पेस है देन फोर माइनस टू टू तो यहाँ पे टू स्पेस है एंड सो ऑन तो यहाँ पे स्पेस के लिए मेरे पास लूप लग गया अब मैं अगर स्टार का देखूँ तो स्टार के लिए भी यार वही है जो ऊपर था पहले सेवन है देन फाइव है देन थ्री है देन वन है तो इसको मैं लिख सकती हूँ वन टू टू रिस्ट पार आर माइनस वन तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज़ कर रहे थे ऊपर वाले पैटर्न में यहाँ पे डिक्रीज कर रहे क्योंकि हम अपने रो नंबर के टर्म्स में लिख रहे हैं यहाँ पे और रो नंबर हम ऊपर इंक्रीज करवा रहे थे और यहाँ पे हम रो नंबर को इन्वर्टेड वाले पार्ट में रो नंबर को डिक्रीज करवा रहे हैं राइट right. तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया अब हम कोड करते हैं इसको सबसे पहले हमारा लूप आएगा जो कि चलेगा वन टू लेकर एन तक तो ये वाला जो लूप है ये मैं अभी लिख रही हूँ सिर्फ ऊपर वाले पैटर्न के लिए ठीक है तो ये चलेगा जे इजल टू वन टू जे इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई तो इस लूप में हम प्रिंट कर रहे होंगे कुछ स्पेस इस लूप के बाद हमें अपने स्टार्स प्रिंट करना है तो उसके लिए हम दोबारा एक लूप लगाएंगे जो कि चल रहा होगा फ्रॉम वन टू लेस देन इक्वल टू टू इन टू हमारा जो रो नंबर है आई माइनस वन ठीक है तो इस लूप में हम प्रिंट कर रहे होंगे हमारे स्टार्स ठीक है अब ये यहाँ पे हमें लाइन ब्रेक भी ऐड करनी पड़ेगी तो ये जो हमारा लूप हो गया ये हो गया हमारा ऊपर वाला पैटर्न प्रिंट करने के लिए अब हम इसको सेम को यार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हाँ वे बस एक चीज़ हमें चेंज करनी है कि इसको i इज इस इक्वल टू एन से स्टार्ट होगा ये और i इज मोर देन इक्वल टू वन तक जाएगा और यहाँ पे हम माइनस माइनस कर रहे होंगे ठीक है तो बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो सेम रह रही होंगी यहाँ पर और इसको अब करते हैं हम प्रिंट तो यार मैंने यहाँ पे एन इजल टू फाइव के लिए प्रिंट किया अपना पैटर्न तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे वन थ्री फाइव सेवन नाइन और फिर उसी का इन्वर्टेड पार्ट राइट सो ये हो गया हमारा स्टार वाला पैटर्न अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दज एग्जैक्ट पैटर्न तो ये पैटर्न हमें दे रखा है फॉर एन इजल टू नाइन तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिए जो हमारे स्टार्स हैं वो एन के इक्वल है नाइन है यहाँ पे राइट और अगर हम रोज़ के बारे में बात करें तो रोज़ यार यहाँ पे फिक्स है यहाँ पे तीन ही रोज़ रहेंगी ठीक है तो मैं लिख सकती हूँ कि जो रोज़ का लूप होगा हमारा वो चलेगा वन टू थ्री अब मेरे को ये देखना है कि यार कॉलम के लिए क्या लूप लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे और कौन सी पोजीशन पे मेरे को स्पेस डालनी है और कौन सी पोजीशन पे मेरे को स्टार डालनी है ठीक है तो कॉलम के लिए हम कैसे देख रहे होंगे इसके लिए मेरे को और कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हर एक जो जहाँ पे भी स्टार आ रहा है उसका इंडेक्स लिख के देख लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया हमारे इंडेक्सेस अगर अब मैं स्टार का इंडेक्स देखूँ तो यहाँ पे इसका इंडेक्स होगा तो ये वाला स्टार की जो पोजिशन होगी वो मैं लिख सकती हूँ एज़ वन थ्री ये होगा वन सेवन दिस विल बी टू टू देन टू कामा फ़ोर टू सिक्स टू कामा एट दिस इज़ थ्री कामा वन थ्री फाइव एंड थ्री नाइन अब यार ये जो सारी मैंने पोजिशन निकाली है इसमें मेरे को कुछ कॉमन चीज़ फाइंड करनी है जिससे कि मैं बता पाऊँ कि अच्छा जहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पर मेरे को स्पेस डालनी है तो अगर आप इनको ऐड करके देखो तो दिस इज़ फोर देन एट फोर सिक्स एट टेन फोर एट 12. तो यार यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नंबर्स फ़ोर से डिवाइड होता है दिख रहे हैं मेरे को ठीक है सिवाय दो के यहाँ पे टू प्लस फोर और टू प्लस एट ये दोनों फोर से नहीं डिवाइड हो रहा है बट जहाँ पे भी फ़ोर से डिवाइड हो रहा है मेरे पास जो रो नंबर है प्लस कॉलम नंबर तो वहाँ पे तो मैं लिख ही सकती हूँ कि वहाँ पे मेरे पास स्टार आएगा ठीक है तो अगर मेरे पास जो भी रो नंबर है और क्लास जो कॉलम नंबर है है अगर वो डिवाइड हो रहा फोर से और मेरा रिमाइंडर आ रहा है जीरो पे तो को अपना स्टार प्रिंट करना है ठीक है और अगर मैं इन दोनों पोजीशंस के बारे में बात करूँ जहाँ पे फोर से डिवाइड नहीं हो रहा है टू कॉमा फोर और टू कॉमा एट यहाँ पे मैं लिख सकती हूं कि जब मेरी रो नंबर टू हो और मेरा जो जे है जे यहां पे मतलब कॉलम नंबर तो कॉलम नंबर यहां पे फोर से डिविजिबल है राइट तो इसको मैं यहाँ पे और एज एन और स्टेटमेंट लिख पाऊँगी कि अगर मेरा जो रो है वो इक्वल टू टू हो एंड जो मेरा कॉलम है वो डिवाइडेड बाय फोर हो रहा हो मतलब इसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा हो तो उस केस में भी मैं प्रिंट कर दूँगी स्टार और बाकी जो भी केसेस हैं उनमें मैं प्रिंट कर दूँगी स्पेस ठीक है तो इससे मेरा जो कोड है वो चल जाना चाहिए और इसको देखते हैं अब हम कोड करके यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया यूजर से एन उसके बाद हमारा लूप जो लगेगा रो के लिए वो लगेगा जैसे कि आई टोल्ड आई इज इक्वल टू वन टू आई इज़ लेस देन इक्वल टू थ्री हमारे जो रोज हैं वो यहाँ पे फिक्स्ड हैं उसके बाद अगर हम कॉलम के लिए देखें तो जो कॉलम नंबर होंगे वो अप एन जा रहे हैं राइट right? तो j इज़ इक्वल टू वन टू j इज़ लेस देन इक्वल टू जो भी हमारा n है वहाँ तक हमारे उतने हमारे कॉलम्स हैं और हर कॉलम में मेरे पास एक स्टार आ रहा है अब यहाँ पे यार कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरा जो i प्लस जे है वो डिवाइड हो रहा है फोर से कम्प्लीटली या फिर हमारे पास एक और कंडीशन थी कि हमारा i इक्वल टू टू हो हमारा रो नंबर इक्वल टू टू हो और हमारा जो j है वो डिवाइड by फोर हो रहा हो पूरा ठीक है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे हमारा स्टार और यहाँ पे हम और और एंड स्टेटमेंट्स को अलग अलग करने के लिए ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है हमारी और ये एक स्टेटमेंट है इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू हुई तो हम स्टार प्रिंट कर रहे होंगे और एल्स में आ जाएगा यार हमारा स्पेस कि अगर ये ट्रू नहीं होता है तो उस केस में हम स्पेस प्रिंट कर देंगे हमारा एक रो खत्म होने के बाद हम लाइन ब्रेक ऐड कर देंगे और इसको करते हैं अब रन तो यहाँ पे अगर मैं नाइन के लिए देखूँ तो मेरे पास मेरा जो पैटर्न है वो बन के आ रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्पेस ऐड कर सकती हूँ तो आपको बेटर विजुअलाइज हो रहा होगा कि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं राइट सो दिस इज द पैटर्न दैट वी वर एमिंग फॉर एंड वी हैव डन दिस सो दिस वाज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड हम जो पीडीएफ गिवन है नोट्स में उसमें थोड़े और क्वेश्चंस है पैटर्न्स पे तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई सी इन द नेक्स्ट वन बाय